गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लीव। आज बच्चों हम जो हमारा सूट सिस्टम चल रहा था उसमें हमने सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस किया, स्टेम के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, स्टेम से पहले हमने रूट के बारे में डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे लीव के बारे में। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लीव। जो लीव है बच्चों, आप सभी को पता है लीव मीन क्या होती है, पत्ती। और लीफ का जो स्ट्रक्चर है, लीफ हम कैसे ड्रा कर सकते हैं, ऐसे ड्रा कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लीफ होती हैं, डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीफ होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं। ठीक है, लीफ है वो मोस्ट कॉमनली पार्ट है जो हम देखते हैं बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर होता है। लीफ क्या है, थिन एक्सपेंडेड आउट ग्रोथ ऑफ डिफरेंट प्लांट डिफरेंट शेप एंड साइज। कहता है कि जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनमें एक्सपेंडेड पार्ट है और डिफरेंट शेप और साइज की होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या कहता है कि लीफ ऑफ मोस्ट प्लांट आर फ्लैट एंड ग्रीन। फ्लैट मीन होता है बच्चों चपटी, कि मोस्टली जो प्लांट्स हैं उनकी जो लीफ होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं। कैसी लीफ होती हैं, उनकी लीफ है वो फ्लैट होती है। ओके, फ्लैट मीन चपटा, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो लीफ। और वैसे भी आप देखते हो कि प्लांट्स हैं उनकी लीफ है वो कैसी है, फ्लैट है। ठीक है, इसी वजह से मैनी प्लांट्स हूज लीव्स आर कलर्ड। और जो लीफ होती हैं वो कैसे कलर की होती हैं बच्चों, ग्रीन कलर की होती हैं। जो लीफ है वो ग्रीन कलर किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। कि जो लीफ होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है और इसी वजह से जो लीफ है वो किस कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती हैं। ठीक है, जो फ्लैट पोर्शन होता है लीफ को उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड या लेमिना। जैसे कि ये पूरी लीफ है, इसका जो फ्लैट पोर्शन है, ये जो फ्लैट पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना। ठीक है, इसके अलावा लीफ ब्लेड इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। जैसे कि ये मान लो हमारा स्टेम है और इस स्टेम से ये लीफ जिससे अटैच होती है वो हमारा क्या होता है, पेटियोल बोलते हैं। ठीक है, और पेटियोल कंटिन्यू द लीफ इन द मिड रिब। और इसमें पेटियोल जो है कंटिन्यू कहाँ रहता है, ये जो बीच में है लीफ के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, मिड रिब। क्या होती है बच्चों, ये मिड रिब होती है। ठीक है, अब जो मिड रिब है उसमें से बहुत सारी ब्रांचेज निकली हुई होती हैं, नेटवर्क सा होता है। जैसे कि यहाँ पर ब्रांचेज है, यहाँ ये और इसमें भी काफी सारी ऐसे वेन्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ वेन्स। ठीक है, डिजाइन मेड बाय द वेन्स इन ए लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। कि लीफ के अंदर जो ये डिजाइन बना हुआ होता है वेन्स की वजह से, इसको हम क्या कहते हैं, लीफ वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, जो ये वेन्स होती हैं, जैसे कि आप देखते हो लीफ है, लीफ में उसमें लाइनिंग सी होती हैं। ठीक है, वो लाइनिंग सी क्या है बच्चों, वेन्स हैं। और जो वेन्स डिजाइन बनाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ वेनेशन बोलते हैं। इफ दिस डिजाइन इज ए नेट लाइक ऑन बोथ साइड मिड रिब, वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट। ठीक है, कहता है कि जो ये इस टाइप का जो मिड रिब है, इसके बोथ साइड में ऐसे जो ये नेटवर्क सा बन जाता है, मीन जाल सा बनता है लीफ के दोनों साइड में, तो वो क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, इसके अपोजिट में वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। इसके अपोजिट में क्या कहता है कि मान लो ये लीफ है, इस लीफ में क्या है कि ये रेटिकुलेट वेनेशन नहीं है, इसमें जो लीफ में क्या है, पैरेलल वेनेशन है। ऐसे कि इसमें जो वेन्स है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना रही है, इसमें क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। कि जैसे कि आप सीधा देख पा रहे हो, तो ये क्या है, पैरेलल वेनेशन, जिसमें ऐसे वेन्स है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, मींस तो क्या हुआ कि जो लीफ होती है उसमें क्या होता है, टू टाइप का वेनेशन हो गया। कौन सा हुआ, एक पैरेलल वेनेशन और दूसरा क्या हुआ, रेटिकुलेट वेनेशन। फर्स्ट क्या हुआ, पैरेलल वेनेशन, और दूसरा क्या हुआ, रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में तो क्या है, वेन्स है वो पैरेलल है, और रेटिकुलेट वेनेशन में क्या है कि जो वेन है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, इनके साथ साथ हम ये इनसे लीफ से ही हम यह भी फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों कि जो रूट है प्लांट्स की वो किस टाइप की है। जैसे जब हमने रूट पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो रूट्स है वो टू टाइप्स की होती है, टैप रूट्स और फाइबरस रूट्स। ठीक है, टैप रूट में क्या है कि जिसमें एक मेन रूट होती है, टैप रूट,
तो जिस प्लांट्स की लीव्स में ऐसे रेटिकुलेट वेनेशन होती है, जो रेटिकुलेट वेनेशन होती है उसकी जो प्लांट्स की रूट्स है वो कैसी होंगी? टैप रूट्स होंगी। टैप रूट्स में क्या है कि एक मेन रूट्स होगी और उससे फिर साइड में ब्रांचेज निकलती हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में क्या है कि जिस प्लांट्स की जो लीफ है वो पैरेलल, लीफ के अंदर पैरेलल वेनेशन है, उसकी जो रूट्स होंगी वो कौन सी रूट्स होंगी बच्चों? फाइब्रस रूट्स। क्या होंगी? फाइब्रस रूट्स। फाइब्रस रूट्स मीन्स इसमें कोई भी मेन रूट्स नहीं होती है, सारी जो सभी रूट्स है वो क्लस्टर की फॉर्म में होती है। तो ऐसे लीफ देख करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस प्लांट्स की जो रूट्स है वो किस टाइप की है। रेटिकुलेट वेनेशन वाले की कैसी मिलेंगी? टैप रूट्स मिलेंगी। और फाइब्रस रूट्स वाले की कैसी मिलेंगी? पैरेलल वेनेशन है उस टाइप की मिलेंगी। ओके, अब इसके बाद क्या आता है बच्चों कि लीव्स एंड ब्रांचेज आर ज्वाइंट टू द स्टेम इज कॉल्ड नोड। ये जो ब्रांचेज होती हैं या लीव्स होती हैं जो स्टेम के साथ अटैच रहती है जहां जिस पॉइंट से, उसको हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? नोड बोलते हैं। और जो पार्ट है स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड, मतलब कि जहां पर टू नोड्स होती हैं उनके बीच का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? इंटरनोड। जैसे कि ये नोड है, एक और नोड है, उनके बीच का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? इंटरनोड कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि जो लीफ का अटैचमेंट होता है प्लांट्स के साथ वो किस तरह होता है बच्चों? अल्टरनेट अरेंज भी होता है। अल्टरनेट अरेंज में कैसे होगा कि जो लीफ है वो अल्टरनेट अरेंज रहती है। अल्टरनेट कैसे रहती है? देखो जैसे कि मान लो ये हमारा स्टेम है, अल्टरनेट का मतलब आपको पता है कि एक के बाद एक, ये यहां पर लीफ है, ठीक है। तो इस साइड यहां पर एक लीफ होगी, फिर इस साइड यहां पर एक लीफ होगी, फिर इस साइड यहां पर एक लीफ होगी। तो ऐसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस टाइप की लीफ भी अरेंजमेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अल्टरनेट अरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट अरेंजमेंट। इसके अलावा प्लांट्स में ऐसे भी होता है कि अपोजिट अरेंजमेंट होता है कि जैसे कि यहां पर लीफ है वो ग्रो कर रही है, ठीक है, इसके अपोजिट में ही यहां पर भी क्या है? लीफ ग्रो करती है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा? एक इस साइड है और एक इस साइड, दोनों अपोजिट साइड में, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ऐसे अपोजिट अरेंजमेंट होता है। ये क्या होता है? अपोजिट, अल्टरनेट एक के बाद एक, और अपोजिट में क्या है कि दोनों एक दूसरे से अलग साइड में होती है। उसके बाद एक होता है होल्ड। होल्ड मीन्स होल मीन्स होता है घूमने वाला। तो इसमें क्या होता है कि एक ही नोड से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां है, यहां से ही क्या होता है काफी सारी जो लीव्स है वो अराइज हो जाती है, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? होल्ड अरेंजमेंट। क्या होता है? WHOLD होल्ड। ये क्या है? अपोजिट, OPPOSITE। और ये क्या है? अल्टरनेट। ओके, अल्टरनेट मीन्स अपोजिट, अल्टरनेट मीन एक के बाद एक, अपोजिट मीन दोनों अपोजिट, और होल्ड मीन्स कि एक से ही क्या होती है कि बहुत सारी जो लीव्स हैं वो एक पॉइंट से ही एक अराइज हो जाती हैं, ठीक है। जो लीफ होती है वो क्या होती है? उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, ठीक है। अंडर स्किन देयर आर मेनी लेयर ऑफ सेल, और कहता है कि जब उसको हम नीचे से देखते हैं तो उसमें क्या होती है? बहुत सारी जो सेल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं लीफ के अंदर। इसके अलावा और क्या होता है बच्चों कि जो सेल होती हैं उसमें क्या होता है कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है? वाटर जेली लाइक होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल कंटेन करती है, तो स्मॉल पैकेट होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट के, ठीक है। और जो लोवेस्ट लेयर है जिसके, इसके जो लीफ होती है उसकी जो सरफेस होता है उसके ऊपर क्या होता है? स्मॉल ओपनिंग। और जो लीफ का स्ट्रक्चर है बच्चों, जब आप बड़ी क्लासेज में जाओगे तब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या है? वाटर क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वाटर सेल भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो लीफ सरफेस होता है उसमें स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं अंडर द सरफेस, ठीक है। जो सरफेस होता है लीफ कार्नर वाला उसमें स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं, और जिस पोर को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलेंगे बच्चों उनको हम? स्टोमेटा। और जो ये स्टोमेटा है ये किसमें हेल्प करते हैं? स्टोमेटा हेल्प करते हैं कि वाटर को लॉस करने में, ठीक है। किसमें हेल्प करते हैं? वाटर का लॉस करने में। इसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा ही लीफ क्या करती है? ब्रीथ करती है, ठीक है।
अब इसके बाद स्टोमेटा के द्वारा वाटर का लॉस करते हैं, तो लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। देखो बच्चों, ट्रांसपीरेशन आपने इवापोरेशन पढ़ा है, उसमें क्या था कि वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है इवापोरेट होकर। ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो भी क्या करती हैं, वाटर का लॉस करती हैं, ठीक है। और वाटर का लॉस करती हैं तो वो क्या होता है, वाटर लॉस हो जाता है। तो ये कहता कि लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, की प्लांट्स की लीव्स के द्वारा वाटर का लॉस होना क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इवापोरेशन तो वाटर वैसे ही इवापोरेट होता है, ट्रांसपीरेशन में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो लीव्स हैं वो क्या कर देती हैं, वाटर को लॉस करती हैं। और वो किस प्रोसेस के द्वारा करती हैं, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा करती हैं। अब इसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा जो लीफ है वॉटर को लॉस करती है। कैसे कि हम क्या लेते हैं, एक पोटेड प्लांट लेते हैं, ठीक है, या हम पोटेड प्लांट लेते हैं। तो पोटेड प्लांट में क्या करते हैं कि जो प्लांट्स है, जैसे कि ये हमारा प्लांट्स है, इसकी लीफ को हम पोलोथीन से बांध देते हैं। प्लांट्स है, इसकी लीफ को हम किससे बांध देते हैं, ये हमारा पूरा प्लांट्स है, यहां पर भी क्या है इसके ऊपर ऐसे लीव्स है, ठीक है, यहां पर भी क्या है इसके ऊपर ऐसे लीव्स है। अब इस लीफ को हमने क्या किया, एक पोलोथीन में बांध दिया। पोलोथीन से बांधने के बाद हम क्या देखते हैं बच्चों, इसको हम रखा रहने देते हैं पूरा दिन। फिर हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद, ठीक है, 3-4 घंटे या हम एक दिन के बाद हम देखते हैं कि क्या था, कि पन्नी में कोई पानी नहीं था, पन्नी को हमने पूरी तरह अच्छे से सुखा लिया था, ठीक है। फिर लेकिन जब हम इसको बांध करके एक दिन के लिए छोड़ देते हैं और नेक्स्ट डे तब हम देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इस पन्नी के अंदर, इस पोलोथीन के अंदर वाटर की बूंदे हैं, वाटर वेपर्स मीन्स वाटर जो बूंदे हैं, थोड़ी पानी आपको हमें मिलता है। वो पानी कहाँ से आया, वो पानी क्या हुआ कि बच्चों हमने कहा कि जो प्लांट्स होता है उसकी लीव्स हैं वो क्या करती हैं, वाटर का लॉस करती हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा। तो अब हमने इसको पोलोथीन से बांध दिया तो क्या हुआ, जो लीव्स हैं उनने तो वाटर लॉस किया और वो वाटर ड्रोपलेट की फॉर्म में कहां पर हमें नजर आता है, पोलोथीन के अंदर। इस एक्टिविटी से हम यह पता लगा सकते हैं, यह फाइंड आउट कर सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, इट मीन्स जो लीव्स हैं वो वाटर का लॉस करती हैं ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। अब लीफ के इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ लीफ। जो लीफ है उसके फंक्शन क्या क्या है, तो फंक्शन में फर्स्ट क्या होता है बच्चों, लीफ है वो फोटोसिंथेसिस करती है। क्या करती है, फोटोसिंथेसिस। फंक्शन ऑफ लीफ में क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस। लीफ फंक्शन में क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है कि आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है, कि जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, प्रेजेंट होता है। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों, लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। लीफ आप देखते हो ना अपने सराउंडिंग में, प्लांट्स की जो लीव्स है आपको ग्रीन कलर की दिखाई देती है, वो किस वजह से दिखाई देती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। और वो क्लोरोफिल पिगमेंट कहां पर, लीफ के अंदर प्रेजेंट है। तो उसकी हेल्प से क्या करती है, लीफ है वो फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स है वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो प्लांट्स की लीफ है उसको क्या कहा गया है, किचन कहा गया है प्लांट्स की। इसके अलावा दूसरा क्या है, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन भी कौन करती है, लीफ ही करती है। ट्रांसपीरेशन कौन करती है, लीफ ही करती है, ठीक है। कि ट्रांसपीरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, कि जो लीफ होती है प्लांट्स की वो क्या करती है, वाटर का लॉस करती है। किस प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा। इसके अलावा तीसरा क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेशन। जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसे प्लांट्स भी करते हैं बच्चों, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। दिन के समय में तो क्या होता है कि प्लांट्स है वो ऑक्सीजन जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उससे ही ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और उसका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसका यूज फोटोसिंथेसिस में कर लेते हैं, ठीक है।
लेकिन रात के समय में क्या है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन सभी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, तो उस दौरान क्या है वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन या उसके बारे में मैंने अब एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि बच्चों फोर्थ क्लास से ही हम आपको बताने लग जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या है कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किसकी हेल्प से, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो, और वाटर, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल से, और क्या बना लेते हैं, अपना फूड बना लेते हैं। तो ये सब प्रोसेस है कहाँ पर होते हैं बच्चों, लीफ के अंदर, फोटोसिंथेसिस भी लीफ के अंदर, मीन्स प्लांट्स भोजन बना पाते हैं तो वो भी लीफ की वजह से ही, ट्रांसपीरेशन होता है मीन्स वाटर का लॉस होता है वो भी किसमें, लीफ के द्वारा ही होता है, और रेस्पिरेशन होता है वो भी किसके द्वारा, लीफ के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बच्चों मॉडिफाइड लीव्स। क्या आती है मॉडिफाइड लीव्स? मॉडिफाइड लीव्स में क्या है कि नेचुरल वे से ही कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिसकी लीव्स है वो किसमें चेंज हो जाती है, मॉडिफाइड लीव्स में चेंज हो जाती है, जैसे कि स्पाइन है और टेंड्रिल्स। स्पाइन्स मीन कांटों में, और टेंड्रिल्स जो व्हाइट सफेद धागे के जैसे होते हैं बच्चों, व्हाइट व्हाइट कलर के, जैसे कि इस टाइप में धागा, इस टाइप में होते हैं, जैसे आपने लौकी घिया है उसमें भी देखा होगा कि ये स्टेम है और इसके स्टेम से ही ऐसे व्हाइट व्हाइट कलर का एक धागा सा निकलता है, वो क्या होते हैं, टेंड्रिल होते हैं। ठीक है, तो किसमें मॉडिफाई हो जाती है, स्पाइन। ठीक है, किसमें, स्पाइन में, और दूसरा क्या है बच्चों, टेंड्रिल्स में। दूसरा क्या है, टेंड्रिल्स में क्या हो जाती है, मॉडिफाइड है वो हो जाती है। ठीक है, और मॉडिफाइड होने के बाद क्या होता है कि जो डेजर्ट के प्लांट्स हैं वहां पर यूजफुल है कि वहां पर जब लीव छोटी होंगी तो ट्रांसपीरेशन कम होगा, वाटर का लॉस कम होगा, क्यों, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है बच्चों, पानी की कमी होती है। इसके अलावा जो मॉडिफाइड लीव होती है वो क्या करती है, प्लांट्स को एनिमल से प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि मॉडिफाइड लीव्स की हेल्प से प्लांट्स है वो क्या होता है कि दूसरे क्या होता है, दूसरे प्लांट्स के ऊपर चढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि ये मॉडिफाइड लीव है, ये क्या है, हेल्पफुल है। जैसे कि पी प्लांट है, पी प्लांट में भी आपने देखे होंगे कि इस टाइप में टेंड्रिल्स होते हैं, ऐसे धागे लाइक ऐसे होता है, तो उसकी हेल्प से दूसरे प्लांट्स के ऊपर है पी प्लांट्स है वो क्लाइम कर जाता है। ठीक है, तो इस तरह मॉडिफाइड लीव्स है वो भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। ओके, आज बच्चों इतना ही है, आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है, लीफ के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, लीफ के बारे में हमने क्या कहा कि जो फ्लैट सरफेस होता है लीफ का उसको क्या कहते हैं, लीफ लेमिना। जिस स्टेम के साथ जिस स्टाक से अटैच रहता है उसको क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। इसके अलावा लीफ के अंदर जो वेनेशन होती है टू टाइप्स की होती है, पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन होती है। ठीक है, इसके साथ साथ हमने ये भी किया कि रेटिकुलेट वेनेशन वाले प्लांट्स की रूट्स कैसी होंगी, टैप रूट्स। पैरेलल वेनेशन वाले प्लांट्स की रूट्स कैसी होंगी, फाइबर्स रूट्स। ठीक है, इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा कि जो लीफ का अरेंजमेंट था, अल्टरनेट अरेंजमेंट। ठीक है, और दूसरा अपोजिट अरेंजमेंट, और तीसरा क्या था, होल अरेंजमेंट। इसके अलावा हमने पढ़ा कि लीफ के सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, और जिसके द्वारा वो क्या करती हैं, ट्रांसपीरेशन करती हैं। ठीक है, और इसके बाद में नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, फंक्शन लीफ के, और फंक्शन लीफ के बाद हमने पढ़ा मॉडिफाइड लीफ। मॉडिफाइड लीफ में क्या है, स्पाइन और टेंड्रिल्स। ओके, आज के लिए इतना ही है बच्चों, आप अपनी बुक में से पढ़ेंगे अच्छे से और 5 क्वेश्चन आंसर सर्च करेंगे, 5 क्वेश्चन आंसर। ओके, धन्यवाद बच्चों।